फेक न्यूज को सच मानना भी एक मानसिक अवस्था है, ठीक उसी तरह जिस तरह गरीबी एक मानसिकता है। राज टेंका और कथित पत्रकार इसी मानसिकता के चलते फेक न्यूज को बार बार फैलाते नजर आते हैं। कोई झूठ दावा एक बार करे या बार बार, हम करेंगे उसका पर्दाफाश हर बार। नमस्कार, मैं हिमांशी और आप देख रहे हैं पैम्फलेट पर्दाफाश। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक नंबर 5 के साथ। सोशल मीडिया पर झारखंड के बोकारो जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला को आग लगी हुई है, महिला मुस्लिम समुदाय से बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आग से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर फेक न्यूज पेडलर्स दावा कर रहे हैं कि महिला को 15 से 20 लोगों की भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, हालांकि ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है। दरअसल महिला ने स्वयं को ही आग के हवाले किया था, इसकी पुष्टि बोकारो पुलिस ने भी की है। एक्सपर्ट बोकारो पुलिस के पोस्ट के अनुसार उक्त मामला 18 अक्टूबर का है, जिसमें पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला के द्वारा स्वयं को ही आग लगाई गई थी। वहीं मामले में बोकारो पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की हर अप्राकृतिक मौत पर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को अब लगभग उद्योग का दर्जा मिल गया है। मकसद केवल एक बहुसंख्यक हिंदू समाज को हर अपराध से जोड़कर पूरे समाज को बदनाम कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 4 की ओर। फेक न्यूज पेडलर्स का फेवरेट काम है प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करना। यकीन न हो तो हमारे पुराने एपिसोड में कई उदाहरण मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैप्शन देकर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व को चुनावी पत्ते के रूप में यूज करते हैं। दरअसल ये वीडियो डिजिटली एडिटेड है। पूरा वीडियो देखने पर पता चलता है कि इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने उनसे चुनावों की बात करते हुए कहा कि अब आपका हिंदुत्व का नारा भी विफल हो गया है। नरेंद्र मोदी से हिंदुत्व को चुनावी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, हिंदुत्व बीजेपी का कभी भी नारा नहीं रहा है, हिंदुत्व हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये चुनावी खेल खेलने के लिए ताश का पत्ता नहीं है। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है, हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये चुनावी खेल खेलने का लिए एक ताश का पत्ता नहीं है। हिंदुत्व तो नहीं पर फेक न्यूज को आजकल चुनावी पत्ते के रूप में जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीन नहीं होता तो हमारे अगले पर्दाफाश की ओर देखिए, फैक्ट चेक नंबर 3 की ओर। कांग्रेस आईटी सेल फेक न्यूज को किस प्रकार बढ़ावा देती है, उसका ताजा उदाहरण ये खबर है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ईडी की फोटो में तिलक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि विजयदशमी के दिन रमन सिंह ने ईडी की पूजा की है। ये दावा किया है छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने। फेक न्यूज के लिए सोशल मीडिया बहुत छोटी जगह है। रमन सिंह को लेकर फैला ये झूठ का पर्दाफाश उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ही हो जाता है, जिसमें 24 अक्टूबर की एक तस्वीर में रमन सिंह राजनांदगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में रमन सिंह हिंदू देवता नारायण जी की तस्वीर पर तिलक लगाते नजर आ रहे हैं। इसे देखने से साफ पता चलता है कि रमन सिंह के तिलक लगाने वाली तस्वीर को एडिट करके वायरल किया गया है। शायद जांच में सहयोग के बजाय प्रोपोगंडा फैलाना ही कांग्रेस आईटी सेल का काम रह गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 2 की ओर। अगर झूठ बार बार बोलेंगे तो पर्दाफाश भी बार बार होगा। राजस्थान में आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी का प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने दौसा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव नारायण जी के मंदिर में लिफाफा डाल आए, उसे खोला गया तो उसमें 21 रुपए निकले। ये जो काम करते हैं उससे भी यही दिख रहा है कि मोदी जी का लिफाफा खाली है। महिला आरक्षण, ओबीसी जाति जनगणना, ईआरसीपी सब खोखले वादे हैं, क्योंकि मोदी जी का लिफाफा खाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवनारायण मंदिर की दान पेटी में लिफाफा नहीं बल्कि दक्षिणा डाली थी। ये बात वीडियो से अप्रूव की जा सकती है। इस फेक न्यूज पर हमारे चैनल पर एक विस्तृत वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो ही रहा है तो उन महाशय की बात कर लेते हैं जो अपने अनुभव का इस्तेमाल गंभीर फेक न्यूज फैलाने में करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 1 की ओर। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की। दरअसल जयराम रमेश का सोशल मीडिया खंगाले तो उनके अधिकतर पोस्ट गलत सूचना में अटे पड़े रहते हैं। अब हाल ही में कांग्रेस नेता ने सीमेंट उद्योगों पर निशाना साधते हुए भ्रामक जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अडानी ने अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांची इंडस्ट्री को खरीद लिया है।
और अब ओरिएंट सीमेंट को भी खरीदने वाले हैं। इससे मार्केट में मोनोपोली बढ़ेगी और सीमेंट का दाम बढ़ेगा। हालांकि इस सूचना को गलत तरीके से पेश करने का उदाहरण है। सीमेंट इंडस्ट्री में कार्टेलाइजेशन पिछले 50 वर्षों से चल रहा है, जब कोई अडानी नहीं था। वर्ष 2016 में CCI ने इसके लिए सीमेंट कंपनियों पर 6300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अंबुजा एंड ACC के पास कुल मिलाकर केवल 12-13% बाजार हिस्सेदारी है। जयराम रमेश को ये भी पता होना चाहिए कि अडानी को ओरिएंट पर अधिकार मोदी सरकार ने नहीं बल्कि बोली लगाकर मिले हैं। ये किसकी गलती है अगर ओरिएंट की बोली अडानी ने लगाई है तो? रही बात मोनोपोली की, तो कांग्रेसी नेता को बता दें कि अल्ट्राटेक सीमेंट अभी भी बाजार में अग्रणी तो है ही, ये सौदा तो हेल्दी मार्केट कंपटीशन को बढ़ावा देने ही वाला है, तो वे क्यों इस पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? पार्टी से लेकर पार्टी समर्थकों तक फेक न्यूज पेडलर्स अपने पैर फैला चुके हैं। ये जरूरी है कि इनका विश्वसनीय फैक्ट चेक के साथ पर्दाफाश हो सके, अन्यथा कई प्रकार के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।